हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय एक बहुत ही अजीब और कमाल की चीज है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है या फिर वो तेज स्पीड से घूम रहा है तो उसके इर्द गिर्द समय धीमा हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से यानी कि लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है तो वहां पर समय रुक जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल के सेंटर में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ब्लैक होल के सेंटर पे समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। गाइज, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय का ये विचित्र व्यवहार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चकाचौंध भरी दुनिया किसे पसंद नहीं होती, लेकिन सेलिब्रिटी बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पेपराजी यानी कि मीडिया वाले अपना कैमरा लेके आपकी फोटोज और वीडियोस की फुटेजेस के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद हद पार हो जाती है। तो जो सेलिब्रिटीज जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी पसंद नहीं है, उनके लिए 28 साल के एंटरप्रेन्योर ने एक एंटी पेपराजी स्कार्फ बनाया है। क्या खास बात है स्कार्फ की, जरा ध्यान से सुनेगा। इस स्कार्फ को पहनने के बाद अगर कोई फोटोग्राफर आपकी फ्लैश पिक्चर्स ले भी ले तो भी आप उसमें ब्लैंक आएंगे, यानी कि दिखेंगे ही नहीं। गाइस, आपको एंटी पेपराजी स्कार्फ का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोलगेट के नाम से लोगों को टूथपेस्ट की याद आने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलगेट ने एक बार रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस भी शुरू किया था। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। 1982 में कोलगेट ने यूएस में रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस शुरू किया था, और वो भी कोलगेट के नाम से, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। और उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल था, कोलगेट के नाम से लोगों को बाथरूम की याद आती है। अब आप खुद ही सोचिए कि खाने के प्रोडक्ट में लोग इसे कैसे एक्सेप्ट करते, और इसी वजह से कोलगेट का ये आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था, और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हीरा यानी कि डायमंड बहुत ही महंगा बिकता है, क्योंकि वो बहुत रेयर है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे हर दिन डायमंड बनता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। यूके की एक सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वुजोंग जो का कहना है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 मिलियन हीरे के कण बनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ये कण जल भी जाते हैं। अब वो इस चीज पे शोध कर रहे हैं कि कैसे इस प्रक्रिया से सस्ते हीरे बनाए जा सके। पर जिस दिन सस्ते हीरे बन गए, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार रोल्स रॉयस को 1998 में खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी, और इसको खरीदने के सबसे तगड़े दावेदार थे बीएमडब्ल्यू एंड वॉक्सवैगन। अब बीएमडब्ल्यू ने थोड़ी कम बोली लगाई थी और वॉक्सवैगन ने ज्यादा बोली लगाई थी, तो जाहिर है रोल्स रॉयस किसको मिलनी थी, वॉक्सवैगन को। लेकिन तब बीएमडब्ल्यू रोल्स रॉयस के ज्यादातर पार्ट्स बनाता था। अब यहीं से आया ट्विस्ट, बीएमडब्ल्यू ने रोल्स रॉयस के पार्ट बनाने से मना कर दिया, और सिर्फ इसी वजह से रोल्स रॉयस को वॉक्सवैगन ने बीएमडब्ल्यू को बेच दिया। अब ऐसा इसलिए नहीं था कि वॉक्सवैगन पार्ट्स बना नहीं सकती थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रोल्स रॉयस वॉक्सवैगन के लिए एक नई कार थी, जिसके लिए पार्ट्स बनाने में उसे समय लगता और नुकसान भी होता। पर आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप समझबूझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे।